आज यहां सीआरपीएफ के जो तिलक राज जो शहीद हुए, अच्छा भाई अब शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, अब शांत हो जाएं, वो सब बोलेंगे, समय आएगा। तो तिलक राज जी और सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए उनकी हम यहां याद करते हैं। एक बात मैंने नोट की, हर प्रदेश में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं। सेना बॉर्डर पे करती है, मगर पैरामिलिट्रीज बॉर्डर पे, स्टेट के अंदर सब जगह करते हैं। और दुख की बात है कि जब पैरामिलिट्रीज का कोई व्यक्ति शहीद होता है तो उसे शहीद का स्टेटस नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि चाहे वो पैरामिलिट्री का हो, चाहे वो सेना का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, अगर वो देश के लिए अपनी जान देता है तो उसे शहीद का स्टेटस मिलना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सीआरपीएफ लोग, सीआरपीएफ के लोगों को, बीएसएफ के लोगों को शहीद का स्टेटस ना मिले। तो हमने निर्णय ले लिया है कि 2019 में जैसे ही हमारी सरकार आएगी, चाहे वो किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स का व्यक्ति हो, अगर वो देश की रक्षा में शहीद हुआ है तो उसको शहीद का स्टेटस मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। बाकी नेताओं ने आपकी वीरता के बारे में बोला, परमवीर चक्र लेने वाले लोगों के बारे में बोला, और पूरा देश जानता है कि डिफेंस के मामले में, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सीआरपीएफ, बीएसएफ, हिमाचल प्रदेश जो छोटा प्रदेश है सबसे आगे है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जैसे ही पुलवामा हुआ और जब पाकिस्तान के साथ एक्शन हो रहा था, तो मैंने एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मैंने कहा, देखिए कांग्रेस पार्टी और उसके सब नेता और कार्यकर्ता वायुसेना और सरकार के साथ खड़े हैं, हम इस मामले को पॉलिटिसाइज नहीं करने जा रहे। हमने साफ कह दिया। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने उन 7-8 दिनों में एक शब्द नहीं कहा। मगर दुख की बात है कि जब पूरा का पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही है, और हमारे प्रधानमंत्री उस मामले का पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं, भाषण में जाके कहते हैं, कांग्रेस पार्टी की बुराई करते हैं, उल्टी सीधे बातें करते हैं। मगर मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि 7-8 दिन कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने एक शब्द नहीं बोला।
मैंने सुना है यहां प्रधानमंत्री आए, उन्होंने भाषण किया और राफेल हवाई जहाज की बात की, और कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि अगर राफेल हवाई जहाज पहले आ जाता तो हिंदुस्तान का फायदा होता। अब मैं थोड़ा सा आपको, मैं थोड़ी गहराई में जाऊंगा, थोड़ी डिटेल में जाऊंगा, मगर मैं आपको थोड़ा सा राफेल हवाई जहाज और नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताना चाहता हूं। और मैं यहां गहराई में जाऊंगा क्योंकि ये जो प्रदेश है ये वायुसेना को, आर्मी को, नेवी को, पैरामिलिट्रीज को अपने हजारों युवा देता है, वो शहीद होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको आज गहराई में, और थोड़ा समय लगेगा, मैं राफेल मामले के बारे में आपको बताना चाहता हूं। कहानी यूपीए के समय शुरू होती है, एयरफोर्स को हवाई जहाज की जरूरत थी। अलग अलग लोग कंपटीशन में थे, 8 साल यह प्रोसेस चला। दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, इससे बड़ा डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। 126 हवाई जहाज खरीदने थे और यूपीए सरकार ने निर्णय लिया कि फ्रांस का राफेल हवाई जहाज सबसे अच्छा है। एयरफोर्स के नेगोशिएशन टीम ने यह बात बोली और उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि 526 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज खरीदा जाएगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो 70 साल से हवाई जहाज बना रही है, मिग हवाई जहाज, जैगवार, मिराज, जिन्होंने पाकिस्तान में बम जाके गिराए, उसका पूरा का पूरा काम एचएल करती है, कॉन्ट्रैक्ट उनको जाएगा। मोदी जी आते हैं और स्वयं कॉन्ट्रैक्ट को बदल देते हैं। डिफेंस मिनिस्टर पारिकर जी कहते हैं कि मुझे नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मालूम ही नहीं। उस समय हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा था कि 95% मामला तैयार है। मोदी जी फ्रांस जाते हैं और इसको आप चेक कर लीजिए, उनके साथ डेलीगेशन में अनिल अंबानी जी जाते हैं। एयरफोर्स की नेगोशिएशन टीम कहती है कि प्राइम मिनिस्टर पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है और डिफेंस मिनिस्ट्री के कागज हिंदू अखबार में छपते हैं। उधर नेगोशिएशन टीम ने साफ लिखा है कि जो हवाई जहाज 526 में खरीदा जा रहा था उसकी प्राइस बढ़ाई गई और वही हवाई जहाज 16 हजार करोड़ रुपए में खरीदा गया। नहीं, अभी ठहरिए, क्योंकि मैं थोड़ा गहराई में समझाना चाहता हूं, लोगों को पता होना चाहिए। तो 526 करोड़ का हवाई जहाज नरेंद्र मोदी जी 1600 करोड़ रुपए में खरीदते हैं, एचएल को परे कर देते हैं और जादू से अनिल अंबानी सामने आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 10 दिन पहले अनिल अंबानी एक नई कंपनी खोलता है।
भाई और बहनों, 30,000 करोड़ रुपए का फायदा अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उधर फ्रांस की कंपनी का एक व्यक्ति ईमेल लिखता है, कहता है फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस में मेरी मीटिंग हुई, उधर अंबानी जी बैठे थे और कॉन्ट्रैक्ट मिलने से पहले अनिल अंबानी को मालूम था कि उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है, पब्लिक इंटरव्यू में इंटरनेट में जाके देख लीजिए, नाम हॉलैंड है, फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है मुझे तो साफ नरेंद्र मोदी ने बता दिया था कि अगर फ्रांस की सरकार राफेल हवाई जहाज बेचना चाहती है तो एचएएल को परे करना पड़ेगा, अनिल अंबानी को सामने लाना पड़ेगा। और फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है नरेंद्र मोदी जी ने हमें बताया कि 1600 रुपए में हवाई जहाज खरीदा जाएगा, 526 करोड़ में नहीं खरीदा जाएगा। निगोशिएशन टीम कहती है कि इस नए कॉन्ट्रैक्ट के कारण हवाई जहाज देर में आएंगे, 10 साल लगेंगे पूरे पूरे हवाई जहाज आने को, और पिछले कॉन्ट्रैक्ट में हवाई जहाज पहले आ जाते। और अपने अपने भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर हवाई जहाज पहले आते तो हिंदुस्तान का नुकसान नहीं होता। मोदी जी, हवाई जहाज लेट आपने किया, 30,000 करोड़ रुपए आपने अनिल अंबानी के जेब में डाले, 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है उस पर, हवाई जहाज नहीं बनाना आता, कभी नहीं बनाया उसने जिंदगी में, शायद उसको कागज कागज दे दो, कहो कागज का हवाई जहाज बनाओ, वो भी ना बना पाए। और ये सच्चाई है, आप इंटरनेट पे जाइए, हिंदू अखबार में साफ लिखा है, पूरा वहां पे डॉक्यूमेंटेशन है। कल सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि ये जो हिंदू के पास डॉक्यूमेंटेशन है ये सच्चा है, हम कार्रवाई करेंगे क्योंकि ये सच्चा है। और उसमें साफ लिखा है, डिफेंस मिनिस्ट्री की नोटिंग्स हैं कि पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है, नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, साफ लिखा है। और प्रधानमंत्री यहां आते हैं और आपसे कहते हैं मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ। चौकीदार ये तो, ये भाई और बहनों राफेल की सच्चाई है।